हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के साथ वेट लॉस के लिए ग्रीन एप्पल एंड कैबेज सैलेड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप लोग घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ इजीली प्रिपेयर कर सकते हो एंड साथ में ये हेल्दी भी है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इस सैलेड को बनाने के लिए यहाँ पर मैं दो मीडियम साइज ग्रीन एप्पल्स का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर इसे बारीक स्लाइसेस में कट कर रही हूँ। एप्पल्स को स्लाइस करने के बाद मैं एक टेबल स्पून लेमन जूस डालूंगी और इसे अच्छी तरह से रब करूंगी ताकि एप्पल्स ब्लैक ना हो। उसके बाद इसमें एक स्मॉल साइज कैबेज का यूज कर रही हूँ। इसे जूलियन की शक्ल में कट करूंगी। अगर आप लोगों के पास श्रेडर है तो आप लोग उसके साथ भी इसे कट कर सकते हो। जिस तरह आप लोग देख रहे हैं उसका व्हाइट पार्ट रिमूव कर रही हूँ। उसके बाद इसे बारीक जूलियन की शक्ल में कट कर रही हूँ। इसे कट करने के बाद इस बॉल में ट्रांसफर कर रही हूँ। उसके बाद इसमें दो से तीन ग्रीन ऑनियन का व्हाइट एंड कुछ हद तक ग्रीन पार्ट यूज कर रही हूँ। यहाँ पर इसे बारीक चॉप करूंगी। इसमें दो से तीन टेबल स्पून दाल का यूज करूंगी, इसे भी बारीक चॉप करूंगी और उसके बाद इसे इस बॉल में ट्रांसफर कर रही हूँ। यहाँ पर एप्पल्स को भी इस बॉल में ट्रांसफर करूंगी। इसके ड्रेसिंग के लिए यहाँ पर मैं दो टेबल स्पून ऑलिव ऑयल का यूज कर रही हूँ, दो टेबल स्पून व्हाइट विनेगर। यहाँ पर इसमें हाफ टी स्पून नमक यूज कर रही हूँ, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज करना। एंड 1/4 टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। उसके बाद इसे सैलेड में ऐड करके इसे मिक्स करूंगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी एंड ये सर्व करने के लिए रेडी है। बट अगर आप लोग इसे कुछ 15-20 मिनट के लिए रखें उसके बाद आप लोग इसे सर्व करें तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आ जाएगा।